23 फरवरी से रांची में भारत इंग्लैंड के बीच होने वाले मैच के टिकटों की बिक्री आज से शुरू। नमस्कार, आजा सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं सूरज कुमार। रांची के जेसीएस स्टेडियम में 23 से 27 फरवरी तक भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट खेला जाना है। इसके लिए ऑनलाइन टिकटों की बिक्री शुक्रवार यानी 16 फरवरी से शुरू हो गई है। खेल प्रशंसक दोपहर 12 बजे से पेटीएम ऐप और insider.in पर टिकट ले सकते हैं। टिकटों की ऑफलाइन बिक्री 20 फरवरी से शुरू होगी। ऑनलाइन खरीदे गए टिकट 20 फरवरी को सुबह 9:30 बजे स्टेडियम के पश्चिमी गेट पर जाकर भौतिक रूप में लेनी होगी। मैच के दिन स्टेडियम में प्रवेश के लिए भौतिक रूप से टिकट अनिवार्य होगा। एक व्यक्ति अधिकतम 6 टिकट खरीद सकता है। काउंटर से टिकट लेते समय उसी व्यक्ति का फोटो पहचान पत्र होना जरूरी है जिसने टिकट बुक कराया है। ऑफलाइन टिकट पश्चिमी गेट पर बने टिकट काउंटर पर 20 से 22 फरवरी तक सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक उपलब्ध होंगे। इसमें 4 काउंटर चालू होंगे। 23 से 27 फरवरी तक मैच के दौरान भी प्रशंसक टिकट ले सकते हैं। टिकटों की खरीद के लिए काउंटर चालू होगा। आइए जानते हैं टिकटों की क्या है कीमत। ए विंग लोअर 400 रुपये प्रतिदिन, ए विंग लोअर टीयर 400 रुपये प्रतिदिन, बी विंग 500 रुपये प्रतिदिन, सी विंग लोअर टीयर 400 रुपये प्रतिदिन, डी विंग लोअर टीयर 400 रुपये प्रतिदिन, अमिताभ चौधरी पवेलियन 700 रुपये प्रतिदिन, प्रेसिडेंट एनक्लोजर 2000 रुपये प्रतिदिन, हॉस्पिटैलिटी ब्लॉक 1500 रुपये प्रतिदिन, कॉरपोरेट लाउंज 1200 रुपये प्रतिदिन, MS धोनी पवेलियन लग्जरी 2500 रुपये प्रतिदिन हॉस्पिटैलिटी के साथ। अभी की खबरों में बस इतना ही। और भी जानकारी के लिए जुड़े रहिए आजा सिपाही के साथ और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।